नमस्कार। शहर के सुंदर शहरों में अपना नाम शुमार करने वाले सिटी ब्यूटीफुल की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। ये तस्वीरें सेक्टर 26 बापूधाम की हैं, जहां एक बच्चों के खेलने का प्ले ग्राउंड हो गया तब्दील एक डंपिंग ग्राउंड में। स्वच्छ भारत मिशन के चलते शहर की इन तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। आखिर स्वच्छ भारत मिशन के मायने क्या होंगे इन तस्वीरों के अंतर्गत, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। मैं सुशील कुमार, अर्थप्रकाश न्यूज से। ये बोर्ड है सामने लगा हुआ है, इस बोर्ड पे उधर से आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि ये बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, लेकिन इस प्लेग्राउंड की हालत आपको दिखाते हैं। ये प्लेग्राउंड की हालत है, यहाँ से ये देखो, ना कोई साफ सफाई, ना कूड़ा, हर जगह कूड़ा पड़ा है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आप वहाँ तक जाके नजर बढ़ाएंगे तो हर जगह पानी है भरा हुआ, मच्छर बैठते हैं सारे के सारे, बीमारी फैल रही है, और आवारा पशु यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं। ये देखो आवारा पशु घूम रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ तक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो सारे पशु घूम रहे हैं, ये आवारा पशु घूम रहे हैं। यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, डस्टबिन रखा हुआ है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। बापूधाम कॉलोनी का ये हाल आपने शायद ना देखा हो, इसलिए मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कि डंपिंग ग्राउंड धीरे धीरे कैसे बनता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हमारे प्ले ग्राउंड के नाम से खेलने आते हैं, लेकिन यहाँ खेल के क्या क्या खेलेंगे, जहाँ जगह ही नहीं बचेगी, बीमारी का घर होता जा रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पर जगह जगह कूड़ा पड़ा है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। सफाई करने आते हैं तो एक या दो दिन सफाई होती है, उसके बाद सफाई नहीं होती, हर जगह कूड़े का ढेर है, मच्छर बैठ रहे हैं, बीमारी की फैल रही है लगातार। जय हिंद साथियों, शीशपा राजपूत आम आदमी पार्टी उपाध्यक्ष, जो नेता है यहाँ के पार्षद, उनके नाम से वैसे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि पुरानी फोटो है ये, अभी तक देख रहे हैं हमारे बापूधाम के, और इतना सुंदर ग्राउंड है ये, बच्चे जय हिंद साथियों। अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।